दोस्तों, नुआपड़ा पूर्वी भारत के ओडिशा राज्य के पश्चिमी क्षेत्र का एक जिला है। नुआपड़ा में बोली जाने वाली भाषा ओडिशा और छत्तीसगढ़ी बोली का मिश्रण है। कई प्राकृतिक जलप्रपात और सुनाबेड़ा वन्यजीव अभयारण्य इस जिले की प्राकृतिक सुंदरता को चार चांद लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रैवल करने वाला। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको मैं नुआपड़ा जिला की 10 प्रमुख पर्यटन स्थान के बारे में बताऊंगा। बने रहो हमारे साथ वीडियो के एंड तक, क्योंकि आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों, आप हमारे चैनल में पहली बार वीडियो देखने आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल जरूर सेट कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं और जान लेते हैं नुआपड़ा में घूमने की खास जगहों के बारे में। नंबर एक पर आता है थिपाखोल वाटरफॉल, जो कि जिला मुख्यालय नुआपड़ा से 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक शानदार प्राकृतिक झरना है जो घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ है। थिपाखोल एक शानदार झरने के साथ साथ पर्यटकों को दुर्लभ प्राकृतिक सुंदरता प्रदान करती है। थिपाखोल जलप्रपात जिले के चित्र पोस्टकार्ड स्थलों में से एक है, लेकिन पर्यटन विभाग कथित तौर पर इसकी पर्यटन क्षमता की पता लगाने में असफल रहा है। एक चट्टान से नीचे गिरता पानी लोगों को लुभावने दृश्य प्रस्तुत करता है। भले ही इस जगह में बुनियादी ढांचे की कमी है, लेकिन जलप्रपात पर्यटकों को अपनी ओर खींचने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। रिलैक्सेशन और ग्रुप पिकनिक के लिए ये स्थान नुआपड़ा जिले में सबसे आगे है। नंबर दो पर आता है सुनाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सुनाबेड़ा वन्यजीव अभयारण्य एक वन्यजीव अभयारण्य और एक प्रस्तावित बाघ अभयारण्य है, जो छत्तीसगढ़ से सटे ओडिशा के नुआपड़ा जिला में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 600 स्क्वायर किलोमीटर है। अभयारण्य एक विशाल पठार, कई घाटियाँ और शानदार झरने के साथ वन्यजीवी आवासों की एक महान विविधता को आश्रय देता है। अभयारण्य जोंक नदी के जलग्रहण क्षेत्र का निर्माण करता है, जिस पर सिंचाई की सुविधा के लिए एक बांध का निर्माण किया गया है। अभयारण्य के दक्षिण में इंद्रनाला और उदंती नदी स्थित है। एडवेंचर में पसंद रखने वाले कई पर्यटक यहाँ आते हैं। यहाँ स्थित सुनाबेड़ा टाइगर रिजर्व ग्लोबल टूरिस्ट के लिए टाइगर सफारी का आनंद लेने के लिए सबसे अच्छी जगह है। नंबर तीन पर आता है गोदास जलप्रपात। ये जलप्रपात जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर नुआपड़ा जिला के कटिंगपानी गांव में स्थित है और प्रसिद्ध सुनाबेड़ा टाइगर रिजर्व के निकट है। सागवान की लकड़ियों से होकर गुजरने वाली अधातु घुमावदार सड़कें शानदार गोदास जलप्रपात की ओर ले जाती हैं। सुनाबेड़ा के घने जंगल के बीच सूर्यमय झरना है, जिसका उगता हुआ पानी मुख्यधारा में आकर अपनी आत्मा को सुकून दे सकता है। झरने का ठंड पानी में नहाने के अनुभव के साथ साथ आप चारों ओर व्याप्त शांति का आनंद ले सकते हैं। आसपास की शांति आपकी बेचैनी को ठीक कर सकते हैं और आपको शांति प्रदान कर सकते हैं। कुछ मिनटों के लिए ट्रैकिंग करते हुए आप चारों ओर फैले सुनाबेड़ा जंगल की हरियाली की रक्षा करने वाले पहाड़ों के हवाई दृश्य का आनंद ले सकते हैं। नंबर चार पर पाटोरा डैम, जिला मुख्यालय नुआपड़ा से 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ कोई भी राष्ट्रीय राजमार्ग 59 रायपुर महासमुद्र बागबहाल खरिया रोड के माध्यम से पाटोरा तक पहुँच सकता है। ये डैम रायपुर छत्तीसगढ़ से लगभग 200 किलोमीटर दूर है। पाटोरा डैम एक बेहद खूबसूरत जगह है, जो हर प्रकृति प्रेमी को अपनी ओर आकर्षित करती है। यहाँ साल भर छात्रों और परिवार की भीड़ रहती है। बांध अपने आप में एक बहुत बड़ा जलाशय है, जो पहाड़ियों और जंगलों से घिरा हुआ है। नौका विहार की सुविधा यहाँ उपलब्ध है। पहाड़ी की चोटी पर एक बहुत ही सुंदर पूर्ण शिव मंदिर स्थित है, जो जोगेश्वर शिव मंदिर के नाम से जाना जाता है। मंदिर बहुत कलरफुल है, प्रवेश द्वार बड़ा है और मूर्तिकला की एक अनूठा टुकड़ा है। मिनी रेस्टोरेंट, शीतल पेय की दुकानें, बाथरूम सुविधाएँ यहाँ उपलब्ध है। आप पाटोरा डैम की एक यात्रा अवश्य करें। नंबर पाँच पर आता है पाताल गंगा। एक बारहमासी झरने के साथ प्रकृति की गोद में एक अच्छा स्थान है, जिसकी पानी पवित्र गंगा के समान पवित्र माना जाता है। स्थानीय लोग झरने की डाउन स्ट्रीम में अपना अनुष्ठान करते हैं। किंवदंती है कि राम, लक्ष्मण और सीता अपने वनवास के दौरान उस स्थान पर गए थे, जहाँ सीता को प्यास लगी थी। बसंत के जन्म के अवसर पर
लक्ष्मण ने अपने बाण से जमीन को छेद दिया। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के दिन यहाँ बड़ी संख्या में लोग पवित्र जल में स्नान करने के लिए एकत्र होते हैं। नंबर 6 पर आता है तिखाली डैम। तिखाली बांध ओडिशा सरकार की एक प्रमुख सिंचाई परियोजना है और लोअर इंद्र सिंचाई परियोजना का हिस्सा है। बांध नुआपड़ा जिले के खरियाल ब्लॉक में दरगाह गाँव में पास तेल नदी की एक सहायक नदी इंदिरा नदी पर स्थित है। नुआपड़ा जिला में एक टूरिस्ट हब है जो चारों ओर से प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है। बांध के आसपास की हरियाली बांध के ठंड पानी के साथ एक स्वच्छ और सुंदर परिदृश्य प्रदान करती है। हालांकि इसके परिवेश को एक उचित पर्यटक आकर्षण के रूप में विकसित नहीं किया गया है, लेकिन बांध की चारों ओर प्रकृति की सुरम्य सुंदरता अपने आप में बहुत से लोगों को आकर्षित करती है जो परिवार और दोस्तों के साथ आते हैं और चिल करते हैं। नंबर 7 पर है नुआपड़ा की सुनाबेड़ा अभयारण्य। बहुत सारे लोगों के लिए अपरिचित है, कई अद्भुत झरने हैं। बेनीधस कोई में से एक ऐसा अद्भुत झरना है। ये सुनाबेड़ा गांव से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस जलप्रपात की ऊंचाई 24 मीटर है जो जोंक नदी से शुरू होती है। दशहरा के दिन पठार की अधिष्ठात्री देवी सुनदेई की क्षेत्र के लोगों द्वारा पूजा की जाती है। ये नुआपड़ा जिला मुख्यालय से 102 किलोमीटर, रायपुर से 222 किलोमीटर, भुवनेश्वर से संबलपुर के माध्यम से 642 किलोमीटर, नुआपड़ा रेलवे स्टेशन से 105 किलोमीटर, खरियार रोड रेलवे स्टेशन से 115 किलोमीटर और भवानीपटना से 162 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नंबर 8 पर आता है मुड़ाबसा डैम जो नुआपड़ा जिले की सुनापाली तहसील में स्थित है। बेहद प्राकृतिक परिवेश में स्थित ये पर्यटन स्थल साल भर पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। बांध को सिंचाई के लिए बनाया गया था। उच्च पहाड़ों के साथ एक शानदार भव्य प्राकृतिक रेंज जलाशय को सुशोभित करता है जो प्राकृतिक प्रेमियों के लिए एक रोमांचक अनुभव प्रदान करता है। साल भर पिकनिक और हॉलीडेज के लिए ये जगह फेमस है। नंबर 9 पर आता है उपका गंगा कुंड। ये स्थान सुनाबेड़ा नदी के जंगल के बीच गुरु डोंगर और पति डोंगर नामक दो पहाड़ियों के बगल में स्थित है जो भूतल से तीन अलग अलग प्रवाह में एक स्थान पर स्थानीय भाषा में एक जैसी धारा लगती है। भूतल की सतह से निकलने वाली इस धारा को स्थानीय लोग उपका गंगा नाम से बुलाते हैं। इस स्थान पर स्थानीय लोगों द्वारा देवता भगवान शिव और जगन्नाथ की पूजा की जाती है। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर ये स्थान अपने आप में एक अनोखा आकर्षण है। नंबर 10 पर आप बुद्धि कोमना मंदिर की दर्शन से नुआपड़ा भ्रमण की समाप्ति कर सकते हैं। बुद्धि कोमना में राज्य में अद्वितीय पंचरथ शैली में ईटों से बना पातालेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर है। कला और स्थापत्य कला के पारखी को देखते हुए इस जगह के विभिन्न पहलुओं को देखने में बहुत आनंद मिलता है। ये स्थान इस इलाके में एक लोकप्रिय तीर्थस्थल भी है, लेकिन न्यूनतम बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण पर्यटकों के साथ साथ तीर्थ यात्रियों को बहुत नुकसान होता है।